नसीम शाह वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैच से आउट, बाबर आजम ने बता दिया। नसीम शाह की इंजरी पे बाबर आजम का बड़ा बयान। बाबर आजम ने क्या कहा जानिए इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, नसीम शाह सुपर फोर के दूसरे मैच में इंडिया के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उनकी टेस्ट ली गई, जिसमें सीरियस इंजरी होने की वजह से नसीम शाह को आराम दे दिया गया था और उनकी जगह जमान खान को खिलाया गया। लेकिन इस हवाले से अब बाबर आजम ने भी बात की है। व्यूअर्स, बाबर आजम ने इंडिया दिया है कि नसीम शाह इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस नहीं खेल सकेंगे। आपको बताता चलूं कि पीसीबी ने नसीम शाह की सेहतयाबी के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, ताहम बाबर आजम भी इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल में दिखाई दिए कि उन्हें मेगा इवेंट में नसीम शाह की खिदमत हासिल होंगी भी या नहीं। व्यूअर्स, बाबर आजम ने हारिस रऊफ की इंजरी के हवाले से बताया है कि उन्हें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वो वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। नसीम शाह और हारिस रऊफ के बैकअप प्लान से मुतालिक पूछे गए सवाल में बाबर आजम ने कहा कि फिलहाल प्लान भी तो नहीं बता रहा, लेकिन हारिस रऊफ को थोड़ा साइड स्ट्रेन है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ताहम मेरे राय के मुताबिक हो सकता है कि नसीम शाह वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस मिस कर जाएं। दूसरी जानब पीसीबी ने नसीम शाह की इंजरी के हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। डेली ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।